हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीषा शिलास किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं बची हुई रोटियों के लड्डू। इसके लिए हमें आवश्यक है बची हुई रोटियाँ। मैंने यहाँ पर 3 रोटियाँ ली हैं, पिसी हुई शक्कर आधी कटोरी, पिसा हुआ नारियल का बूरा, घी आधी कटोरी और शक्कर में हमने इलायची दाने पीस के रखे हैं। इसके लिए सबसे पहले बनाने के लिए हम रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे, जिससे मिक्सी में पीसने में आसानी हो जाएगी। और इन छोटे छोटे टुकड़ों को हम मिक्सी के जार में डालेंगे। और हम इन्हें अब पीस लेंगे। रोटी के टुकड़ों को हमने बारीक पीस करके एक बाउल में निकाल लिया है। इसमें हम डालेंगे पीसी हुई शक्कर, नारियल का बूरा और आवश्यकता अनुसार घी। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मैंने हैंड वॉश अच्छी तरह कर लिया है। हम इसे हाथ से अच्छी तरह मैश करके छोटे छोटे लड्डू बनाएंगे। ये देखिए, आप अपनी मर्जी से जिस शेप के लड्डू बनाना चाहें उस शेप के बना सकते हैं। मैंने इस शेप के बनाए हैं। अब मैं इन्हें इकट्ठा करके बताती हूँ। इस प्रकार 3 रोटियों से 7 लड्डू बने। मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ नारियल डाला है और इलायची डाली है। आप चाहें तो और भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। थैंक यू।